ये है सैमसंग गैलेक्सी M20। ये आपको दो कलर वेरियंट में मिल जाता है, ओशन ब्लू एंड चारकोल ब्लैक। जो हमारे पास है वो ओशन ब्लू कलर है। ये आपको अमेजन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। इसी कॉस्ट है तकरीबन 4 64 GB वाले की 11,990 और 3 32 वाले की 9,990। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस मोबाइल को अच्छे से जान लेते हैं। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 का रिव्यू। कुछ खास पॉइंट्स आपको इसके बता दें कि ये 6.3 इंच फुल HD प्लस इन्फिनिटी वी टाइप डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मानी जाती है। 409 PPI यानी कि डेंसिटी आपको मिल जाएगी। 13+5 डुअल कैमरा आपको मिल जाएगा, जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल वाला आपको कैमरा मिलेगा। 5000 mAh की इसकी बैटरी है और चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ एक बढ़िया बात यह है कि आपको ट्रिपल सिम स्लॉट मिल जाएंगे, यानी कि आप 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इजली एक साथ लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बॉक्स कंटेंट से शुरू करते हैं। तो पहले आपको मिल जाएगा एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर दे रखा है वारंटी कार्ड, रीजन लॉक गाइड और क्विक गाइड स्टार्ट, जो इसके अंदर मिल जाएगा। सेकेंड है आपका सिम इजेक्टर पिन। फिर आपको मिल जाएगा 15 वाट का फास्ट चार्जिंग चार्जर। साथ साथ आपको मिल जाएगा इसके अंदर मोबाइल और सी टाइप चार्जिंग केबल। और इसके साथ आपको कोई भी बैक कवर या हेडफोन वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, सिर्फ यही कंटेंट मिलेगा बॉक्स में। तो चलिए फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो 6.3 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। टॉप में आपको वी टाइप नॉच या आप कह लीजिए ड्रॉप मिल जाएगा और वहीं आपको कैमरा दिख जाएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर आपको मिल जाएगा इसके इन ईयरफोन, जिससे आप बात करते हैं। राइट साइड में चलें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम लॉकर बटन प्लस पावर बटन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसके अपोजिट साइड देखिए तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसे आप निकाल के इसमें सिम डाल सकते हैं। चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा 3.5 mm जैक का स्लॉट, USB चार्जिंग पॉइंट, प्राइमरी माइक और एक डिजिटल डॉल्बी साउंड वाला स्पीकर। टॉप पर देखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है, जो आपकी नॉइस कैंसिलेशन में काम आता है। बैक पर देखें तो आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी और ऊपर आपको दे रखा है डुअल कैमरास, 13 MP और 5 MP का। 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा है, जो आपके व्यू को और बड़ा कर देता है। साथ में आपको मिल जाएगी नीचे LED फ्लैश और इधर बीच में मिल जाए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही बहुत ही अच्छा सैमसंग का लोगो दिख जाएगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और इसके OS और प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो आपको OS मिल जाएगा एंड्रॉयड ओरियो 8.1 रन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 9 नहीं दिया है, पाई नहीं है। प्रोसेसर आपको मिल जाएगा जाइनस का 7904, जो ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। और स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 4 64 GB का, यानी कि 64 GB स्टोरेज और 4 GB रैम। तो इसके टच की और फील की बात करें तो टच जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ भी आप खोलेंगे तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी में अगर पीछे देखा जाए तो मेन जो होता है जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये साथ ही साथ है इसके बिल्कुल लेवल पे अंदर नहीं दिया है। और साथ ही साथ जो कैमरा है, कैमरे की खास बात ये है कि कैमरा जो बाहर नहीं दिया है। कई मोबाइल में कैमरा बाहर निकला होता है, जिससे डर रहता है स्क्रैच पड़ने का। तो कैमरा आप अगर देख सकते हैं ध्यान से, तो यहीं अंदर एम्बेडेड है, ऊपर नहीं निकला है। तो ये सेफ पॉइंट है, कैमरा आपका ख़राब नहीं होगा। जैसे कि सेंसिटिव की बात करें तो काफ़ी तेज है, क्विक है। आप देख सकते हैं ये टच किया और ओपन हो गया, ये मैं टच किया ये ओपन हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं, टच ओपन, टच ओपन, तो तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है ये। और फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी काफ़ी क्विक है। आप देख सकते हैं ये देखिए, तुरंत ओपन हो जाता है ये देखिए। और एक ख़ास बात और आप देखें तो ये ऊपर जो इसका कैमरा है, यहाँ पे हल्की सी एक बहुत ही अच्छी लाइट भी स्प्लैश करती है। आप देखिए, मैं पास में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अगर आपने ध्यान दिया तो ये देखिए किस तरह से ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है फेस को भी। मैं अपना फेस ला नहीं रहा हूँ, ये देखिए कैसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। मैं फेस अगर सामने लाऊंगा तो तुरंत खुल जाएगा, ये देखिए तुरंत। बहुत ही रेस्पॉन्सिव है इसका फेस अनलॉक, बस आपको पावर बटन दबाना होगा, फेस दिखाना होगा और ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए आते हैं मेन कंटेंट पे, जो है कैमरा। तो कैमरा ओपन कर लेते हैं। तो पहले फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, 13 MP 5 MP का है। तो सबसे पहले आपको अल्ट्रा वाइड लेंस का यूज़ करना बता दें, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
आप फोकस देखिए, अल्ट्रा वाइड मतलब क्या है, वो एरिया जो सराउंडिंग है उसे बढ़ा देता है, यानी कि और ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आप देखिए इतना कैप्चर हो रहा है, मैं अल्ट्रा वाइड लेंस का सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन, ये देखिए कितना सारा पोर्शन बढ़ गया। अभी तो खैर मैंने एरिया कम ले रखा है, इसलिए जैसे आप बाहर ओपन में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये फोकस में ले लेगा एरिया को, पोर्शन को। यानी कि आपको पूरी फैमिली की फ़ोटो लेनी है तो नॉर्मल जो है लेंस ऐसा होता है, मैं पीछे रखता हूँ, नॉर्मल लेंस इतना ही फ़ोटो लेते हैं, पर आप जब इसका चूज़ करेंगे तो आप पूरी फैमिली को आप कैप्चर कर सकते हैं एक ही बार में, ये देखिए। तो ये इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। साथ ही ऊपर आपको अगर ऑप्शंस दिखा दें तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉन्टिन्यूस शॉट के स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, लाइव फोकस यानी कि आपको जो पोर्ट्रेट मोड लेना वही मिल जाएगा, ब्यूटी प्रो पैनोरामा, सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो सेल्फी भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं अगर आप फोटो लेंगे तो, लेकिन सेल्फी जैसा मैंने पिछले 830 के रिव्यू में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि पीछे जो ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड एरिया जो है, ये इसको कुछ ज़्यादा वाइड कर देता है, जिससे आपका पीछे का बैकग्राउंड का साफ और ओरिजिनल नहीं दिखाई देता। ये मुझे 830 में भी इशू आया था, अगर आपने 830 का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। उसमें भी कैमरे में यही था कि पीछे का जो जहाँ लाइटिंग है वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस ये बढ़ा देता है, जिससे बैकग्राउंड अच्छे से समझ में नहीं आता है और ओरिजिनल कलर दिखाई नहीं देता। तो सेल्फी वैसे बाकी सब कुछ अच्छा है, स्टिकर सेल्फी मोड और पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छे से ये ले लेता है इसका व्यू, और काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट लुक भी दे देता है। तो यही है सेल्फी कैमरा। चलिए वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी शेक कर रहा है, तो इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है नॉर्मली, तो लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है, जो कैमरा दिया है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको क्लिप को देख लीजिए। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियो में हम इस मोबाइल की पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे, साथ ही साथ एक एक चीज़, इसकी हिडन ट्रिक्स और जो जो टिप्स हैं वो सब चीज़ आपको दिखा देंगे, दे देंगे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाए। और आपको कोई अगर क्वेरी हो, कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट आता है मोबाइल के बारे में, तो आप कमेंट करके हमसे बाकायदा पूछ सकते हैं।